Please subscribe to Kids Zone YouTube channel for more fun kids content and don't forget to press the bell icon to never miss an update. मिट जाएंगे जुल्म के अंधेरे, हो जाएंगे रोशन सवेरे, खुशियां फिर से आएंगी, गम का रहेगा ना समा, मंजिल तो मिल ही जाएगी, इस दिन वो आएगा यहां, रोशन प्रिंस मार्कस के एंटियोक के सफर पर जाना कैटिलियस के रोम के मुस्तकबिल के हुक्मरान बनने के मंसूबे का पहला हिस्सा था और उसके लिए मार्कस की मौत जरूरी थी। लॉर्ड हेड्रियन ने अपने नवासे को एंटियोक जाने की इजाजत देकर उसे खतरे में डाल दिया है। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे वफादार साथियों, थोड़ा आराम और कर लो क्योंकि वक्त आन पहुंचा है मेरी खिदमत में हाजिर होने का, ताकि मैं खिदमत कर सकूं लॉर्ड अनुबिस की, जिसके लिए ये खास अर्क तुम्हें कभी न मरने वाली फौज बना देगा। इस दुनिया की सबसे खतरनाक शैतानी ताकत होगे तुम। बहुत जल्द मैं तुम्हें आजाद करूंगी अपने मंसूबे के लिए। कैटलिस समझता है मैं उसकी मदद कर रही हूँ, लेकिन वो नहीं जानता इसके पीछे मेरा मकसद। तुम्हें अभी सब्र करना होगा मेरे वफादार, क्योंकि बहुत जल्द शैतानी ताकतें रोमन एम्पायर पर मंडलाने लगेंगी और पूरा रोम तेरा गुलाम होगा। अच्छाई खत्म हो जाएगी और सब सिर्फ एक ही खुदा को मानेंगे, अनुबिस को। लेकिन इस मकसद को पूरा करने के लिए हमें नन्हे शहजादे को खत्म करना होगा, मरना होगा उसे। बुराई की ताकतें सर उठा चुकी हैं, प्रिंस मार्कस की जान को खतरा है। ऐ मेरे खुदा, कमजोरों के मददगार, अपने महाफिजों को मेरी मदद के लिए भेज और मुझे उस मुंतखब करदा को तलाश करने में मेरी मदद फरमा, क्योंकि सिर्फ वही है जो प्रिंस मार्कस और पूरी दुनिया को बर्बाद होने से बचा सकता है। मेरे प्यारे दोस्त, एंटियोक की तरफ जा। क्या तुम्हें लगता है कि ये फजूल चीज काम करेगी? मुझे पूरा यकीन है ये काम करेगी। मुझे इस पाइप के जरिए पानी में ऑक्सीजन मिलता रहेगा और मैं जब तक चाहूँ पानी में रह सकूंगा। खैर, मैं जो देख रही हूँ तो ये सिर्फ एक पुराना ग्लैडिएटर का हेलमेट है और तुम्हारी मॉम तुम्हें कभी पानी के अंदर नहीं जाने देंगी। अभी बहुत वक्त है हमारे पास, आप चाहें तो बात कर सकते हैं। हमने रोम में आपको अपना फैसला सुना दिया था, अब आपको क्यों लगता है कि हम अपना फैसला बदलेंगे? आपके बाबा का ये हुक्म है, आपको कुछ न कुछ तो सोचना होगा।
आप जानती हैं कि वो मुझसे कुछ नहीं छुपाते, और ये भी कि रोमन एम्पायर के लिए मुझसे ज्यादा बेहतर शख्स कोई नहीं होगा उनके बाद। मुझे भी इस सल्तनत की फिक्र है, और बाबा के बाद उनका जानशीन उनका नवासा होगा। ओह, कैसे भूल सकता हूँ मार्कस। ये क्या कर रहे हैं आप? आपको मालूम है ना कि ये समंदर कितना खतरनाक और सर्द है? हम नहीं चाहते कि आप बीमार हो जाएं। नीचे जाइए और आराम कीजिए। और मैं चाहता हूँ कि आप कैटलस से बात ना करें, क्योंकि वो बहुत बुरा है और शादी तो बिल्कुल नहीं। मार्कस, आप सोच भी कैसे सकते हैं कि हम ये फैसला लेंगे, और 12 साल के बच्चे को इस तरह की बातें करना जेब नहीं देता। मैं 13 साल का होने वाला हूँ। रुको, चोर, कोई है, मदद करो मेरी। ए लड़की, रुको, कहाँ भाग रही हो? कौन मैं? मैं तो बस जा रही थी। कोई नहीं बच सकता कायस के सिपाहियों से। चलो अंदर और जाके आराम से बैठ जाओ। मेरे दरवाजा खोलते ही सब लोग यहाँ से भाग जाना। ले चलो इन्हें कैद खाने। जल्दी करो, इससे पहले कि सिपाहियों को पता चले। जाओ यहाँ से, भागो। तुम क्या देख रही हो? चलो यहाँ से। छोड़ो मुझे। मैंने तुम्हारी जान बचाई, शुक्रिया कहने की बजाय मार रही हो। किस बात का शुक्रिया? मैंने तो तुमसे नहीं कहा था कि तुम आकर मुझे बचाओ? मैं कुछ समझा नहीं। मुझे जरा हैरानी नहीं हुई है अगर तुम नहीं समझे। वो गार्ड्स अगर मुझे महल के जेल में ले जाते तो मेरा काम आसान हो जाता। मैं अभी भी कुछ नहीं समझ पा रहा। मैंने सोचा था कि मैं चोरी छुपे से गवर्नर की हवेली में घूमकर खूबसूरत आर्ट और फर्नीचर देख पाऊंगी, क्योंकि लड़कियों को यही पसंद है। तुम मासूम लड़की नहीं, तुम चोर हो जो हर चमकती हुई चीज को चुराना चाहती है किसी भी तरह। तो फिर तो तुम खुद को महफूज ही समझो, क्योंकि अगर तुम एक महीना भी नहाते रहो तब भी नहीं चमकोगे, क्योंकि तुम में से एक गंदी बिल्ली की बदबू आती है जो कभी नहीं जा सकती। हाँ, जैसा भी हूँ कम से कम चोर तो नहीं हूँ। हाँ, और इसके साथ साथ गरीब भी। हाँ, उसने मेरा सिक्का चुरा लिया। हे रुको, वापस करो वो मुझे। वहीं रुक जाइए। हाँ, आपको अपनी अंगूठी के साथ पानी में नहीं उतरना चाहिए माय प्रिंस, ये खो जाएगी। आप चाहे तो मुझे दे दीजिए। अब आप उतर सकते हैं पानी में। ख्याल से यकीन नहीं आ रहा, मुझे लगा था शायद ये करना बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए, लेकिन ये तो बहुत आसान था। अहमक कहीं के, गुस्सा करने की जरूरत नहीं, मैं तुमसे नहीं कह रहा। वो रहा, पकड़ो उसे फौरन। बचाओ। मेरी रिंग कहाँ है? मुझे वापस करो वो। हे, इधर आओ। One and two. Hey, जोर लगाओ। ये सोने की जगह नहीं, उठाओ। सुनो, नहीं मैंने क्या कहा? ये कोई जानवर नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं प्रिंस, लेकिन आप नहीं जानते, ये बहुत ठीक हैं। ये सिर्फ घोड़े की जबान समझते हैं। ये सब चोर और लुटेरे हैं। ये जगह आपके लिए महफूज नहीं है प्रिंस, ये लोग आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। ओह, तो आप यहाँ हैं। मुझे बताइए कि आपको आपकी अंगूठी मिली या नहीं। नहीं, मेरे ख्याल से मैंने उस अंगूठी को हमेशा के लिए खो दिया। आज तो आप बाल बाल बच गए, लेकिन एंटियोक में आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि अब तो आपकी अंगूठी भी आपके पास नहीं जो आपको बचाए। खड़े हो जाओ।
बहुत काम है अभी। इसके लिए नहीं, ये मर चुका है। उठाओ उसे, इतनी आसानी से नहीं मर सकता ये। मैंने कहा ना नहीं। तो फिर इसके साथ तुम भी मरो। जिस वक्त का हम इंतजार कर रहे थे वो आ चुका है। हमें फौरी तौर पर कुछ करना होगा, ऐसा ना हो कि हम वहाँ पहुँच ना सके। चलो काम करो गुलामो। खड़े क्या देख रहे हो, जल्दी करो, हमें बादशाह के नवासे को बचाना है। हमें गुलामों को आजाद करवाना है, उन्हें छोड़ नहीं सकते। ठीक है, लेकिन जो कुछ करना है जल्दी करो, ऐसा ना हो कि कहीं दुश्मन एंटीऑक में कामयाब हो जाए। हमें खाना चाहिए, हमें काम चाहिए, काम। वैसे तुम लोग क्या काम कर सकते हो गुलामो? तुम बताओ, तुम क्या कर सकती हो लड़की? इससे ज्यादा कुछ? ओ शाही मोहर, बदले में क्या चाहिए तुमको? बस कायस के घर में मुझे नौकरी चाहिए। ठीक है, जाओ अंदर। रुको, उसे अंदर मत जाने देना, ये लड़की चोर है। टाइटस, जाओ, टाइटस। प्रिंस मार्कस और उनकी माँ यहाँ आ रहे हैं। पता नहीं क्यों वो इतना लंबा और खतरनाक सफर करके एंटीऑक पहुंच रहे हैं। खुशकिस्मती से अगर वो एंटीऑक पहुंच भी गए तो महल पहुंचने तक वो मुझे जिंदा नहीं चाहेंगे, समझ गए? मैं नारियलों से तंग आ चुकी हूँ। हे, आराम से काम करो, आज तुमने ये 15वां नारियल खराब किया है। क्या जानती नहीं कितनी मुश्किल से मिलते हैं ये? चलो मेरे साथ। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, छोड़ो मुझे। अगर आइंदा तुमने मुझे ऑर्डर देने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा सर नारियल की तरह खोल दूंगी। अब जाओ, तुम भी कुछ काम करो, मुझे और नारियल ला कर दो जिनको मैं फोड़ूं। किसने रख लिया? हे, ये आवाज मैं पहचानती हूँ, नरूटो, नरूटा। कई सालों के बाद तुम्हें देखा। अगर आप यहाँ मुझे बचाने के लिए आए हैं तो आप अपना वक्त जाया कर रहे हैं, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। वैसे हेड्रियन एक अच्छा हुक्मरान है। हेड्रियन तो मरने वाला है, इससे मेरा क्या ताल्लुक? शहजादा मार्कस की जिंदगी इस वक्त खतरे में है, कायस उन्हें मार देना चाहता है, और अगर वो मर गए तो पूरी सल्तनत पर वो शैतान काबिज हो जाएंगे। और आप ये तवक्को कर रहे हैं कि मैं ये सब छोड़ दूं? तुम यहाँ से जा नहीं सकती। देखो देखो, तुम सेनेटर अटर्नी की मिल्कियत हो और इसके अलावा मेरे लिए भी काम करती हो। अच्छा, ये बहुत गर्म है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, अब तुम इसमें इसी तरह हिलते रहो जब तक मैं वापस नहीं आ जाती। सेनेटर को खाने में गुठलियाँ बिल्कुल पसंद नहीं, हम एक नन्हे बच्चे और सल्तनत को बचा कर आते हैं। सब कुछ खत्म हो गया, नाना जान की एक रिंग संभाल के नहीं रख सका मैं। हाँ, तुम्हारा परिंदा चोर है। अमेलिया कभी कुछ नहीं चुरा सकती, तुम्हारी ये स्टूपिड अंगूठी मेरे पास है। मुझे ये वापस करो। एक मिनट, इतनी भी क्या जल्दी है? पहले वादा करो कि जब किंग बनोगे तो एथेंस में मुझे एक महल बना के दोगे। अब दिखता हूँ कैसे भागती हो तुम। हाथ हटाओ, मुझे जाने दो। कहाँ है सिक्का? ठीक है, मैं अपने अल्फाज वापस लेती हूँ। तुम बिल्कुल भी एक गंदी बिल्ली की तरह नहीं हो, बल्कि बिल्कुल मेरे जैसे हो और मुझे पसंद। मैं नहीं हूँ तुम्हारे जैसा। अगर ऐसा है तो ये लो। मैं तुम्हें, ये तुम्हारी बदतमीजी की सजा है। किसी का नहीं लगा, तो आइए और इन जुड़वा लड़कों को मारिए, जिसका निशाना ठीक लगेगा उसका इनाम है मिस्र में छुट्टी गुजारने का एक शानदार मौका। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है मेरे दोस्त, तमाम इखराजात के साथ एक जबरदस्त एडवेंचर पर जाने का मौका, जिसकी कीमत है ये 3 संतरे। मुझे लगता है ये एक बेहतरीन तरीका है खराब फलों की फसल को ठिकाने लगाने का। हाँ? मैं उन जुड़वा भाइयों को लेने आया हूँ जैसा कि हमने तय किया था। मुझे कुछ याद नहीं, तो आए और किस्मत आजमाएं। इन्हें आजाद करने के लिए मेरी एक शर्त है, इन्हें आंखों पर पट्टी बांध कर ये खेल खेलना होगा, लेकिन इस बार संतरों से नहीं बल्कि उन चाकुओं से।
बिल्कुल फिक्र ना करें, ये इतना आसान नहीं है। बहुत ध्यान से। क्या बात है बच्चों, चलो अब निकलते। इतनी आसानी से नहीं जा सकते। वल्केनो, ड्रैको, मसलिना, याओ। ये क्या हो रहा है? रुक जाओ, इन्हें संभालने के लिए दोनों भाई बहुत हैं। बचो! नहीं, मेरा सर्कस! नहीं! ये हुई ना बात। अब जब के हम सब इकट्ठे हो ही चुके हैं, तो क्या हम आगे की तरफ बढ़े? ठहरो जरा, प्लाडे। ये भी खत्म हो गया। फिर मैंने उससे कहा कि ये तुम्हारा मसला है। क्या मुझे दो कॉइन मिल सकते हैं बचरूप के लिए? मैं आपसे वादा करता हूँ कल तक वापस कर दूंगा। मैं उसके बदले आपके जूते भी साफ करूंगा और आपके घोड़ों को पानी भी पिला दूंगा। चलो निकलो यहाँ से। एक मिनट रुको, तुम्हें पैसे चाहिए ना? ये रहे, लो खुद ही निकाल लो ये कॉइन। ठीक है। अरे आपने क्या कर दिया? दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ये काम तो मैंने सालों पहले किया था, अब पता नहीं कर पाऊं या बस नहीं। बस बहुत हो गया, अभी बताता हूं तुझे। इसे अकेले ही मुकाबला करने दो। और इस पर तुम्हारा नाम लिखा है। नहीं नहीं, तुम्हें पैसे चाहिए थे ना, ये रहे तुम्हारे सिक्के, ये लो ये लो। वाह, मैं अब भी ये सब कुछ कर सकता हूँ। फैबियो की दर्दनाक मौत के बाद मित्रा को भुला दिया गया और उसके बाद हमारे लोगों ने जो कुर्बानियां दी और जो तकलीफें उठाईं वो हम सब जानते हैं। इसके बाद भी अगर तुम लोग जाना चाहो तो मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम ऐसा करोगे नहीं। दुश्मन के मुकाबले में मेरा साथ दोगे। इस सल्तनत की आखिरी उम्मीद जो इसे अंधेरों से निकाल सकती है वो है एक बच्चा, मार्कस। सिर्फ वही है जो इस दुनिया को बचा सकता है, लेकिन कायस उसको बेरहमी से मार देना चाहता है और उसी बच्चे को बचाने के लिए मैंने तुम सबको यहाँ जमा किया है। यहाँ तक कि अब उसके दुश्मन शहर की हर छत पर जमा है। कैसी हो मरीना? ये कितनी बड़ी हो गई है? हम दोनों तो बिल्कुल इसे पहचान ही नहीं पाए। क्या तुम ये बात यकीन से कह सकती हो? जी बिल्कुल, क्योंकि मैंने उसकी बातें खुद सुनी है। इसका मतलब हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। पेशन गोई यही बताती है कि एक नौजवान लड़का, स्याह रंगत और रंगीन आंखों वाला, और वही होगा जो शहजादे को बचाने में कामयाब होगा। लेकिन वो कौन है? हम तो उसके बारे में जानते भी नहीं। वो जो भी कोई है, हमें बस अपनी ताकत पे यकीन होना चाहिए, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या आप सब तैयार हैं इस काम को करने के लिए? हम तैयार हैं। तो फिर आओ मेरे साथ। देखो, इस इंजन के बाद हमें लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी कश्ती चलाने के लिए। ये इंजन भाप की ताकत से चलेगा। जरा देखो ये इंजन किस तरह इस पहिए को घुमाएगा। एंटीओक नहीं, इंजन कहा मैंने। वो देखो, हम एंटीओक पहुंच गए। हाँ वेलकम टू द एंटीओक, अजीम सल्तनत का आखिरी किनारा। प्रिंसेस, अगर आप हमारे साथ हमारे महल में रुकेंगी तो हमारे लिए ये एजाज से कम नहीं होगा। सब तैयार है? सब तैयार है। मार्कस महल तक नहीं पहुंच पाएगा, मेरे लोग उसे मारने के लिए तैयार खड़े हैं। ये नामुमकिन है, हम इनमें कातिलों को तलाश नहीं कर सकते। तुम्हें तो वैसे भी कुछ नजर नहीं आता। लड़ना बंद करो, अपने काम पे ध्यान दो। रोम की सल्तनत का मुस्तकबिल हमारे हाथ में है। हाँ, हो सकता है वो खास बच्चा भी वक्त पर पहुंच जाए। पकड़ लिया। ये खेल खेलने का वक्त नहीं है।
इस बार मैं तुम्हें नहीं भागने दूंगा। मैंने कहा छोड़ो मुझे। क्या कर रही हो तुम ये? इन लोगों से हमें शहजादे को बचाना है। हम गिरफ्तार कर लो इसे, इसने प्रिंस की जान लेने की कोशिश की है। भागने न पाए। हे, छोड़ो मुझे। इसको मारना चाहते थे तुम? नहीं, ये सच नहीं है। रुको जरा, मैंने खुद देखा है कि इस लड़के ने प्रिंस मार्कस को बचाया, बल्कि यहाँ मौजूद हर शख्स ने देखा है। ये सब क्या हो रहा है? प्रिंसेस, मैं जानती हूँ कि आपके बेटे को कौन मारना चाहता है, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ आना होगा, या ये जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि आप लोगों की जिंदगियां खतरे में है। फिक्र मत ना हो प्रिंसेस, हम इस लड़के को इसके किए की सजा देंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे आप। इस लड़के ने तो हमारे बेटे की जान बचाई है, इसे छोड़ दिया जाए। हे रुको, तुमने अभी तक मुझे मेरा सिक्का वापस नहीं किया, और मुझे बताओगी कि ये सब हो क्या रहा है? ये कौन लोग है और प्रिंस को क्यों मारना चाहते हैं? और ये सारी बातें तुम्हें कैसे मालूम है, बताओ मुझे। तुम ये जाकर उस सुनहरी बालों वाली से क्यों नहीं पूछते जो रोम से आई है? हाँ? हाँ? जल्दी करो न्यूबे, भागती रहो। ये लो, ये हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। वो नहीं, वो मेरे हवाले कर दो इसे। चले जाओ यहाँ से, मुझसे और मेरे बच्चे से दूर रहो। हे, क्या तुम ठीक हो? शायद मैं अब जानता हूँ कि मेरे माँ बाप को किसने मारा था। मुझे यकीन था कि खुदा हमारी मदद जरूर करेगा।